हाई गाइज माई नेम इज नित्ड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करेंगे हमने लास्ट वीडियो में एनकोडर डी कोडर आर्किटेक्चर पढ़ा था सो आज का जो वीडियो है वो अटेंशन मैकेनिज्म पे है विच इज अ वे टू इम्प्रूव द एनकोडर डी कोडर आर्किटेक्चर एंड नॉट ओनली दैट अटेंशन मैकेनिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मर्स जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं तो ऑल एंड ऑल दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड टू एंड देखना आई एल बी वेरी ऑनेस्ट अटेंशन मैकेनिज्म को समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है द मैथ्स इज हैवी बट मैंने इस पूरे वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि एक्सप्लेनेशन को बहुत ल्यूसिड रखा है सारे वाइज और सारे वर्ड्स का मैंने आंसर दिया है और थोड़ा बहुत हाउ में भी गए हैं तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप एंड टू एंड देखो एंड इफ पॉसिबल मल्टीपल टाइम्स देखो मेक नोट्स दैट वुड हेल्प ठीक है तो और टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट द वीडियो तो अटेंशन मैकेनिज्म को पढ़ने के पहले मुझे लगता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अटेंशन मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत क्यों है अगर एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर अच्छे से काम करता ही है तो फिर हमें अटेंशन मैकेनिज्म की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए बट अटेंशन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इट मीन्स कि हमारा जो एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग वीडियो की शुरुआत में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ये समझने के लिए कि एनकोडर डी आर्किटेक्चर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा उसमें क्या प्रॉब्लम है सो so, एक बार मैं आपको क्विक रिविजन देता हूँ कि एनकोडर डी आर्किटेक्चर दिखता कैसा है सो so, ये जो आपके स्क्रीन पर है दिस इज अन्कोडर डी कोडर आर्किटेक्चर यहाँ पर ये जो पिंक वाला ब्लॉक है इसको हम एनकोडर बुलाते हैं और ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है इसको हम डी बुलाते हैं और इसमें भी ये जो येलो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर एल एस ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अब एकदम अगर हाई लेवल ओवरव्यू में आपको दूं तो एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है कि आप एक सेंटेंस प्रोवाइड करते हो एनकोडर को एनकोडर इस पूरे सेंटेंस को प्रोसेस करता है स्टेप बाय स्टेप दिस इज टाइम स्टेप वन दिस इज टाइम स्टेप टू टाइम स्टेप थ्री एंड टाइम स्टेप फोर और एक बार जब पूरा का पूरा प्रोसेस कर लेता है तो इस जगह पे एनकोडर क्या करता है कि इस सेंटेंस का एक समरी जनरेट करता है ठीक है समरी बोल सकते हो या फिर आप रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो एंड दिस इज अ वेक्टर सो so बेसिकली आप एक सेट ऑफ नंबर्स जनरेट कर रहे हो जो इस गिवन इनपुट सेंटेंस का समरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर आप क्या करते हो कि इस वेक्टर को एज इनपुट डिकोडर में पास करते हो और इस डिकोडर का, का काम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप वो आउटपुट सेंटेंस को प्रिंट करता है जैसे स्टेप वन में लाइट प्रिंट हुआ स्टेप टू में बंद प्रिंट हुआ स्टेप थ्री में करो प्रिंट हुआ और स्टेप फोर में एंड प्रिंट हुआ जिसका मतलब हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया सो दिस इज हाउ एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर वर्कस अब अगर आपको इसके पीछे का डिटेल समझना है मैथमेटिक्स समझना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखना वहां पर मैंने काफी डिटेल में समझाया है बट अब मैं आपको बताता हूँ कि इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ आपको स्क्रीन पर ये सेंटेंस दिख रहा होगा कि थोड़ा लंबा सेंटेंस है अराउंड पचास वर्ड्स है इसमें आपका टास्क ये है कि आपको वीडियो को पॉज करना है इस सेंटेंस को पढ़ना है एक बार सेंटेंस को पढ़ लेने के बाद आपको आंख बंद करना है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है प्लीज डू इट क्या हुआ नहीं कर पाए आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों में से ज्यादातर लोग एक बार इस सेंटेंस को पढ़ करके आंख बंद करके पूरे के पूरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे कैन यू टेल मी आपने क्या प्रॉब्लम फेस की आई गेस आप समझ पा रहे हो आप सभी यही बात बोलोगे कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है इसको एक साथ समराइज करके दिमाग में रख पाना और फिर दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है अब गेस वॉट यही सेम प्रॉब्लम हमारे एनकोडर डिकोडर नेटवर्क में भी होती है हमारा एनकोडर डी कोडर नेटवर्क कैसे काम कर रहा है उसको हम एक सेंटेंस दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस को एक बार में देख लो पूरा का पूरा देख लो और उसका एक समरी जनरेट कर लो और इस समरी को आप भेज दो डी के पास और अब डिकोडर उस समरी से पूरा का पूरा ट्रांसलेशन करेगा अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप थोड़े बड़े सेंटेंसेस देने लग जाते हो ग्रेटर देन वर्ड्स तो ये जो समरी है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगता है लाइक like, आप बहुत कम सेट ऑफ नंबर्स के ऊपर बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो कि एक बड़े से सेंटेंस को समराइज करो एंड दिस कैन लीड टू द सेम इशू जो हमने फेस किया एज ह्यूमन बींग्स तो जो पहला प्रॉब्लम है हमारे इस आर्किटेक्चर के साथ वो ये है कि हम अननेसेसरीली हमारे एनकोडर के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि एक ही बार में पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना है याद रखना है और डीकोडर को बताना है एंड दिस इज चैलेंजिंग फॉर अस अस ह्यूमन बींग्स जिनके पास इतना इंटेलिजेंस है तो फिर सोचो इस बेचारे एल एस्टीएम बेस्ड एनकोडर डी कोडर पे क्या बीतती होगी अब ये तो बात हुई एनकोडर के साइड से डी कोडर के साइड से भी एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाता हूं सो so, यहां पर देखो आप ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं जैसे यहां पर देखो ये जो पहला वर्ड प्रिंट हुआ हिंदी में वो था लाइट अब खुद सोचो ये लाइट को प्रिंट करने के लिए क्या हमें इस पूरे के पूरे इनपुट सेंटेंस की जरूरत थी या फिर किसी स्पेसिफिक वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स की जरूरत थी आई गेस आप समझ पा रहे हो आपको सिर्फ इस वर्ड की जरूरत थी लाइट्स अगर आपको लाइट्स पता होता इनपुट से तो आप उससे ये लाइट बना लेते अगर आपको बंद प्रिंट करना था तो आपको क्या पूरे इनपुट सेंटेंस की जरूरत थी नहीं आपको सिर्फ इन दो वर्ड्स की जरूरत थी टर्न ऑफ तो आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट हमें एट एनी टाइम स्टेप ऑफ द डी पूरे के पूरे इनपुट सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड या फिर सेट ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है ट्रांसलेशन करने के लिए बट यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम क्या है कि हमें पूरा का पूरा इनपुट सेंटेंस दे दिया जाता है एट एवरी टाइम स्टेप और बोला जाता है गो फिगर आउट कौन से वर्ड को आप यूज करोगे वो आपका डिसीजन है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ये बदल नहीं रहा है ओवर टाइम स्टेप्स बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन डिकोडर को प्रॉब्लम होती है डिकोड करने में बहुत बढ़िया होता अगर मुझे लाइट को प्रिंट करना है तो मैं जा करके उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेंटेंस के ऊपर नजर मार पाता जो मेरी जरूरत का है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डीकोडर साइड से क्या प्रॉब्लम है डीकोडर साइड से प्रॉब्लम है ये स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता अगर ये डायनेमिक होता और हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट करते टाइम किसी इनपुट सेंटेंस के स्पेसिफिक पार्ट्स पे अटेंशन डाल पाते तो फिर हमारा काम आसान हो जाता तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस आर्किटेक्चर में जहां पर हमें बोला जा रहा है ये लो एक सेंटेंस इसको मेमोराइज करो और फिर ट्रांसलेट करो क्लियरली ह्यूमंस इस तरीके से काम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन वही है जो हम ह्यूमन बींग्स करते हैं हम ह्यूमन बींग्स जब एक बहुत बड़े टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो हम एक साथ पूरे के पूरे सेंटेंस को अपने दिमाग में रख के ट्रांसलेट नहीं करते हैं. हम जैसे जैसे सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं हम ऑन द गो ट्रांसलेशन करते हैं सो so गूगल पे मुझे ये इमेज मिला जो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ सो यू कैन सी हम जब एक बहुत बड़े टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी आंखें एक एक अटेंशन स्पैन क्रिएट करती हैं एक अटेंशन रीजन क्रिएट करती हैं जहाँ पर करेंटली हमारा फोकस होता है वाइल्ड ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस अगर आप इस अटेंशन रीजन के बाहर जाते हो तो हमारा दिमाग इस जगह पे फोकस नहीं कर रहा होता है और वो काइंड ऑफ ब्लरी है हमारे लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आगे का रीजन क्लियरली uh, दिखने लगेगा और बाकी का रीजन ब्लरी हो जाएगा एंड दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट एक बहुत बड़ा सेंटेंस अगर हमें दिया हुआ है तो हम अगर बीच में कहीं हैं तो हम उसके आस पास का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पकड़ करके ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं राइट right. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसको यूज करके ह्यूमन बींग्स ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं तो किसी तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट हमारे आर्किटेक्चर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मेरा कहने का ये मतलब है कि मान लो आप डिकोडर के टाइम स्टेप वन पर हो और आपको लाइट प्रिंट करना है तो आपको किसी तरीके से अपने डिकोडर में ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना पड़ेगा कि एनकोडर का टाइम स्टेप फोर सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट को प्रिंट करने के लिए सिमिलरली जब आप टाइम स्टेप टू पर हो जहां पे आपको बंद प्रिंट करना है तो आपको अपने डिकोडर में ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना पड़ेगा कि टाइम स्टेप वन और टाइम स्टेप टू सबसे इंपॉर्टेंट है बंद को प्रिंट करने के लिए सेम विथ टाइम स्टेप थ्री एंड टाइम स्टेप फोर सो हमें डायनामिकली ये इंफॉर्मेशन जनरेट करना है एट एवरी टाइम स्टेप ऑफ द डिकोडर की कि एनकोडर का कौन सा टाइम स्टेप या सेट ऑफ टाइम स्टेप्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है करेंटली और इसी को हम अटेंशन बोलते हैं और यही हमें इस वीडियो में समझना है कि अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे काम करता है अब गाइस हम लोग एकदम स्क्रैच से समझेंगे कि अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है ठीक है बट आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ सिंस आगे आपको थोड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस दिखाई देंगी मैं यहाँ पे कुछ सिम्बल्स सेटअप करना चाहता हूँ सो दैट आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो उल्टा आसानी हो तो सबसे पहले तो हम अगर डी की बात करें इनफैक्ट एक काम करते हैं पहले एनकोडर की बात करते हैं दिस इज द एनकोडर राइट तो एनकोडर में यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं ये क्या है दीज आर एक्चुअली द हिडन स्टेट्स ऑफ एनकोडर तो इनको हम एच से डिनोट कर सकते हैं सो ये एच नॉट हो गया यहां पर ये एच वन हो गया यहां पे ये एच टू हो गया यहां पे एच थ्री हो गया और यहां पे एच फोर हो गया एंड ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर्स ये आपने एल वाली क्लास में पढ़ा था ठीक है और एक्सेसिबिलिटी के लिए हम इन्हीं वेक्टर्स को यहां से भी निकाल सकते हैं तो ये हो गया हमारा एच वन जो ये है वही ये है ये हो गया हमारा एच टू ये हो गया हमारा एच थ्री और ये हो गया हमारा एच फोर ठीक है ये डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा अब अगर आप फोकस करो डी कोडर पे दिस इज द डी कोडर तो डी कोडर में भी उसके खुद के इंटरनल स्टेट्स हैं तो हम इन स्टेट्स को एच नहीं बुलाते हैं। ओरिजिनल uh, जो पेपर है उसमें इन स्टेट्स को एस बुलाया गया है तो ये हो गया एस नॉट ये हो गया एस वन ये हो गया एस टू ये हो गया एस थ्री और ये हो गया एस फोर ठीक है uh, उसके बाद यहाँ से हम एक जो इनपुट दे रहे हैं डी कोडर को इसको बुलाया जाता है वाई ठीक है क्योंकि अ वे आप जब टीचर फोर्सिंग करते हो तो आप सही लेबल यहाँ पे प्रोवाइड करते हो तो ये हो गया आपका वाई जीरो ये हो गया आपका वाई वन ये हो गया आपका वाई टू और ये हो गया आपका वाई थ्री ठीक है तो इतना तो हमें समझ में आ गया ये हमने सारे के सारे आ, लेबल्स अटैच कर दिए हर इनपुट पे अब देखो यहां से मेन चीज शुरू होती है हमें ये तो पता चल गया अटेंशन मैकेनिज्म में कि हमें डिकोडर के हर टाइम स्टेप पे ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है कि एनकोडर का कौन सा टाइम स्टेप यूजफुल है ठीक है अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं एक नॉर्मल एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर में किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्टेप ये टाइम स्टेप वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे अगर आप बात करो मान लो हमने थोड़ी देर के लिए टू का एग्जाम्पल ले लिया तो आपको बताना है कि पे क्या क्या इनपुट्स का रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए बहुत आसान है आप बोलोगे कि जब I equal to है, time step equal to है, तो मुझे मुझे में क्या-क्या करना -क्या करना पड़ा? मुझे provide करना पड़ा विच इज दिस थिंग और मुझे provide करना पड़ा S1. तो in a way, मैं सिर्फ दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज इनपुट प्रोवाइड करता हूं एट एवरी बट अटेंशन मैकेनिज्म में आप क्या करते हो कि आप एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पास करते हो यहां से इस जगह से यू पास वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और वो क्या इंफॉर्मेशन है कि आपका एनकोडर का कौन सा टाइम स्टेप एच वन यूजफुल है एच टू यूजफुल है एच थ्री यूजफुल है या एच फोर यूजफुल है या फिर कॉम्बिनेशन में कोई और यूजफुल है तो वी नीड टू प्रोवाइड वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो इस पूरे डिस्कशन से हमें यह समझ में आया कि पहले जहां हम सिर्फ दो पीसेज ऑफ इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे अब हमें थ्री पीसेज ऑफ इनपुट प्रोवाइड करने पड़ेंगे अब आगे का डिस्कशन आसान हो जाए इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि ये जो अटेंशन वाला इनपुट है जो हमें डी के हर टाइम स्टेप पे देना है हम उसको भी एक नाम दे देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा सीवन यहां पे ये यह हो जाएगा C2, टू यहां पे ये यह हो जाएगा C3 और यहां पे ये यह हो जाएगा C4. फोर सो बेसिकली फॉर एनी टाइम स्टेप हमें सी आई का इनपुट देना है ठीक है और इस सी आई को ही हम बुला रहे हैं अटेंशन इनपुट तो सबसे पहला जो बड़ा चेंज हमें दिखाई दे रहा है अभी तक के डिस्कशन के बेसिस पे वो ये है कि अगर आप बात करो एन एनकोडर डिकोडर की जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें डिकोडर में एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप आई हमें दो चीजों का इनपुट चाहिए होता था एक होता था वाई आई माइनस वन विच इज बेसिकली दिस इनपुट थ्रू टीचर फोर्सिंग एंड सेकेंड इज एस आई माइनस वन विच इज़ द प्रीवियस टाइम टाइम स्टेप ऑफ द डी कोडर ठीक है बट अगर आप बात करो अटेंशन बेस्ड एनकोडर डी कोडर की तो हमें तीन इनपुट देने होते हैं एट एवरी टाइम स्टेप आई हमें वाई आई माइनस वन तो देना ही होता है हमें एस आई माइनस वन भी देना होता है और साथ ही साथ हमें एक और इनपुट देना होता है सी आई सी आई क्या है सी आई है आपका अटेंशन इनपुट तो ये पहला क्लैरिटी हमें आया है ठीक है अब एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां पर बन रहे हैं उनको हम लोग पहले आंसर करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उनमें से पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये सी आई एग्जैक्टली है क्या क्या है दिखता कैसा है तो एक ही दो ऑप्शन है या तो ये वेक्टर होगा या तो ये स्केलर होगा या तो ये मैट्रिक्स होगा आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और सोचो कि वेक्टर है अगर वेक्टर है तो इसका डायमेंशन क्या होगा ये भी सोचना है स्केलर है या फिर मैट्रिक्स है देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीआई का पर्पस क्या है सीआई का पर्पस है डी को यह बताना कि करंट टाइम स्टेप पे एनकोडर का कौन सा हिडन स्टेट यूजफुल है फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हो डी के फर्स्ट टाइम स्टेप की जहाँ पे हमें लाइट प्रिंट करना है तो मुझे एज ह्यूमन बींग देख के समझ में आ रहा है कि ये जो H4 का हिडन स्टेट है ये सबसे ज्यादा यूजफुल होना चाहिए तो अगर कोई मुझे मैजिकली बता दे कि कौन सा हिडन स्टेट यूजफुल होगा इनकोडर का तो सी का, का काम बस इतना है कि इस H4 को C1 में डाल देना है राइट right. सिमिलरली जब मैं टाइम स्टेप टू पे हूं जहां पे मुझे बंद प्रिंट करना है तो अगर मुझे मैजिकली पता चल जाए कि एच वन विच इज टर्न एंड एच टू विच इज ऑफ ये दोनों हिडन स्टेट्स यूजफुल हैं तो मुझे बस क्या करना है एच वन और एच टू को उठा करके C2 में डाल देना तो एक बात तो आंसर हो गई कि ये जो CI है इट शुड बी अ वेक्टर बिकॉज इसमें आप एनकोडर के हिडन स्टेट्स को उठा के डाल रहे हो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि CI का डायमेंशन क्या होगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप एनकोडर का सिर्फ एक हिडन स्टेट डालना चाहोगे और कभी कभी ऐसा होगा कि आप कॉम्बिनेशन डालना चाहोगे तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि एनकोडर के हिडन स्टेट्स में चार डायमेंशन है से मिलके बना है मान लो वन पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री ये मान लो हमारा एच वन है तो सी टू में कभी ऐसा होगा कि सिर्फ एक वेक्टर जाएगा और कभी कभी ऐसा होगा कि इसके जैसे दो वेक्टर्स जाएंगे कभी कभी तीन वेक्टर्स भी जा सकते हैं चार वेक्टर्स भी जा सकते हैं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आप सी जो कि खुद एक वेक्टर है उसका डेमेंशन कितना रखोगे? चलो ये भी मैं आंसर कर देता हूं सी का डायमेंशन एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो एच का है एच वन एच टू एच थ्री अगर एच वन फोर है तो हमें सी को भी फोर ही रखना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट वॉट इफ मुझे एक से ज्यादा भेजना है मुझे एच टू और एच थ्री दोनों भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा आई गेस आप समझ पा रहे हो बहुत सिंपल है हम वेटेड सम कर देंगे मतलब ये हुआ कि आप जब डिकोडर के किसी पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे होते हो मान लो आप टाइम स्टेप वन पे हो और आप ये लाइट प्रिंट करना चाहते हो और आपको ये पता करना है कि इस लाइट को प्रिंट करने के लिए एनकोडर का कौन सा हिडन स्टेट यूजफुल है एच वन एच टू एच थ्री या एच फोर तो अटेंशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि वो आपके सारे के सारे एनकोडर हिडन स्टेट्स को एक वेट असाइन करता है मतलब एच वन को वो एक वेट असाइन करेगा एच टू को भी एक वेट असाइन करेगा एच थ्री को भी एक वेट असाइन करेगा और एच फोर को भी एक वेट असाइन करेगा लेट्स कॉल दिस वेट एज एल्फा वन दिस वेट एज एल्फा टू दिस वेट एज एल्फा थ्री एंड दिस वेट एज एल्फा फोर और अब आपका जो सी आई है जो हमारे केस में सी वन है ये वाला इनपुट ये वाला इनपुट ये कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली एक वेटेड सम लगाओगे आप लिखोगे एल्फा वन एच वन प्लस एल्फा टू एच टू प्लस एल्फा थ्री एच थ्री प्लस एल्फा फोर एच फोर राइट यहाँ पे एल्फाज हैं वो आपके वेट्स हैं मतलब स्केलर्स हैं और जो आपके एच वन हैं वो आपके एनकोडर हिडन स्टेट्स हैं मतलब वेक्टर्स हैं अब खुद ही सोचो अगर एच वन एच टू एच थ्री एच फोर सारे फोर डायमेंशन के होंगे तो सी वन का डायमेंशन क्या होगा बहुत सिंपल है फोर डायमेंशन ही होगा तो दिस इज हाउ अटेंशन मैकेनिज्म सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि अगर हमें C1 कैलकुलेट करना है तो C1 कैलकुलेट करने के लिए हम ये सारे के सारे वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर ईच ऑफ द हिडन स्टेट्स। अब इनमें से जो वेट डोमिनेट करेगा जैसे मान लो एल्फा फोर सबसे ज्यादा है पॉइंट सिक्स है तो ऑब्वियसली एच फोर का जो से होगा C1 को क्रिएट करने में वो सबसे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू H3, H2 एच टू एंड एच ठीक है फिर सेम काम रिपीट होगा जब आप C2 कैलकुलेट करने जाओगे जब आप ये C2 कैलकुलेट करने जाओगे आप ये सारा काम रिपीट करोगे फिर से आप चार वेट्स कैलकुलेट करोगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर तो C2 के लिए भी सेम इक्वेशन रिपीट होगा एल्फा वन एच वन एल्फा टू एच टू एल्फा थ्री एच थ्री एल्फा फोर एच फोर ऑब्वियसली इस बार जो एल्फाज होंगे वो डिफरेंट होंगे तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए मैथमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि एनकोडर का टाइम स्टेप डी का टाइम स्टेप को हम आई बुला लेते हैं डी के आई रियली सॉरी एक बार मैं फिर से बोलता हूँ डिकोडर के टाइम स्टेप को आई बुला लेते हैं और एनकोडर के टाइम स्टेप को जे बुला लेते हैं ठीक है तो हमें अगर सी आई कैलकुलेट करना है विच इज दिस इनपुट तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एल्फा आई जे एच जे ठीक है जैसे मान लो C1 है तो C1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एल्फा आई जी निकालना पड़ेगा मतलब एल्फा वन 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 टू वन थ्री वन फोर मतलब C1 निकालने के लिए हमें एल्फा वन वन निकालना पड़ा वन टू निकालना, निकालना पड़ा वन थ्री निकालना पड़ा वन फोर निकालना पड़ा C2 निकालने के लिए हमें टू वन निकालना पड़ा टू टू निकालना पड़ा टू थ्री निकालना पड़ा और टू फोर निकालना पड़ा सिमिलरली सी थ्री के लिए हमें अलग अल्फास क्रिएट करने पड़ेंगे और C4 के लिए हमें अलग अल्फास क्रिएट करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ अल्फास कितने होंगे बहुत सिंपल है I क्रॉस J यहाँ पे दोनों जगह चार चार टाइम स्टेप्स हैं तो हमें सिक्सटीन अल्फास क्रिएट करने पड़ेंगे आई होप आपको समझ में आ रहा है तो अब हमारा पूरा जो फोकस है वो इस बात पे आ गया है कि ये जो अल्फाज हैं ये कैसे क्रिएट होंगे बिकॉज अब सारा का सारा जो दारोमदार है जो सारा का सारा आ, हमारी उम्मीदें टिकी हैं वो इस एल्फा से टिकी है आ, कि ये अल्फा कैलकुलेट कैसे होता है बिकॉज इस एल्फा के अंदर ही ये इंफॉर्मेशन है कि कौन सा हिडन स्टेट यूजफुल हो सकता है अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एल्फाज कैलकुलेट कैसे होते हैं ठीक है और अभी मैं सिर्फ एल्फा टू वन का एग्जाम्पल लेके चलूंगा बट अगर आपको अल्फा टू वन कैलकुलेट करना आ गया तो फिर आप बाकी अल्फास भी कैलकुलेट कर सकते हो तो जस्ट टू वन मोर टाइम अल्फा टू वन क्या है अल्फा टू वन इज एन अलाइनमेंट स्कोर या फिर इसको आप सिमिलैरिटी स्कोर भी बोल सकते हो जो कि मुझे ये बताता है कि डिकोडर के सेकेंड टाइम स्टेप पे जो आउटपुट प्रिंट होगा डिकोडर के सेकेंड आउटपुट पे मतलब इस जगह पे जो आउटपुट प्रिंट होगा उसको प्रिंट करने में एनकोडर के फर्स्ट टाइम स्टेप का कितना रोल होगा और वो फर्स्ट टाइम स्टेप ये है टर्न या एच वन यही है अल्फा टू वन तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा अल्फा टू वन कैलकुलेट करने के लिए अल्फा टू वन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है तो ये सारा का सारा फिगर आपके सामने है आपको बस देख के सोच के बताना है कि अल्फा टू वन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा पहला आंसर तो बहुत सिंपल है एच वन के ऊपर डिपेंड करेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा वाजिब सी बात है अगर आप इसका सिमिलैरिटी इसके साथ निकालना चाहते हो और अल्फा टू वन इज दैट सिमिलैरिटी स्कोर तो ऑब्वियसली एच वन पे तो डिपेंड करेगा ही बट इसके साथ साथ एक और चीज पे डिपेंड करेगा और वो है एस वन एस वन क्या है एस वन है ये एस वन है प्रीवियस हिडन स्टेट ऑफ द डी कोडर और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था ना तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाउट आया था कि हमारा एल्फा टू वन डी के पिछले हिडन स्टेट पे क्यों डिपेंड कर रहा है? बट इट्स वेरी लॉजिकल इफ यू थिंक आप अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू क्या पता करना चाहते हो आप ये पता करना चाहते हो कि गिवन अभी तक जो भी ट्रांसलेशन हो चुका है जैसे अभी हम टाइम स्टेप टू पर हैं, हम यहां पर हैं। तो गिवन अभी तक जितना ट्रांसलेशन हो चुका है विच इज दिस स्टेप इस स्टेप का ट्रांसलेशन हो चुका है तो गिवन जितना ट्रांसलेशन हो चुका है उसके बेसिस पे आप मुझे ये बताओ कि सेकेंड स्टेप में आउटपुट प्रिंट करने के लिए एनकोडर का फर्स्ट स्टेप कितना यूजफुल होगा फिर से सुनना हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि डिकोडर के सेकेंड स्टेप में क्या आउटपुट होगा वो एनकोडर के फर्स्ट स्टेप पे कितना डिपेंड कर रहा है हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि गिवन अभी तक जितना ट्रांसलेशन हो चुका है उसके बाद इस एच वन का या फिर इस टर्न का इस वर्ड को प्रिंट कराने में कितना रोल है तो देर इज अ डिफरेंस हमें ये चाहिए तो इन अ वे वॉट आई एम ट्राइंग टू से जो एल्फा टू वन है वो एक्चुअली एक फंक्शन होगा ऑफ टू क्वांटिटीज एंड दो एच वन एंड एस वन और अगर मैं इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख पाऊं तो आई वुड राइट कि कोई भी एल्फा आई जे विल बी अ फंक्शन ऑफ एच जे एंड एस आई माइनस वन कोई भी उठा लो एल्फा टू थ्री को अगर आप उठा लो तो एल्फा टू थ्री विल बी अ फंक्शन ऑफ आपका एच थ्री विच इज दिस एच एंड एच वन विच इज अगेन दिस वन तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर हमें एल्फा टू थ्री कैलकुलेट करना है तो हमें एच थ्री और एच वन के ऊपर कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगाना पड़ेगा बट अब एक अगला क्वेश्चन आ गया पिक्चर में कि ये मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा वॉट फंक्शन शुड वी यूज अब अगर ये टास्क आपको दिया जाता कि यू हैव टू डिसाइड कि यहां पे कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन आएगा तो आप क्या करते आप अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शन ट्राई करते और फिर उसके ऊपर एम्पेरिकली रिजल्ट निकाल करके प्रूव करने की कोशिश करते कि कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शन सबसे ज्यादा सूटेबल होगा बट गेस यहाँ पर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक बहुत स्मार्ट तरीका अप्लाई किया उन्होंने ये बोला कि हम लोग क्यों फंक्शन खोजने में अपना दिमाग खराब करें हमारे पास तो डायरेक्टली ए का पावर है ए मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली हमारा जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको शायद पता होगा कि ए एन आर बेसिकली यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनफ डेटा प्रोवाइड करो तो एन को आप कोई भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेटर बना सकते हो सो so, हमें यहाँ पर कौन सा फंक्शन होना चाहिए ये खोजने के बदले एक बहुत अच्छा अप्रोच हम ये लगा सकते हैं कि वी कैन डायरेक्टली यूज़ न्यूरल नेटवर्क और खूब सारा ट्रेनिंग डेटा इसको प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली इसके वेट्स इस तरीके से एडजस्ट कर जाएंगे कि इस फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे एंड दट वो दिस वॉज अ ब्रिलियंट मूव सो इन समरी वॉट दीज रिसर्चर्स डेट कि उन्होंने इस एल्फा टू वन को निकालने के लिए यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क लगा दिया ठीक है अब यहाँ पर आप कितने भी हिडन लेयर्स लगा सकते हो उन हिडन लेयर्स में आप कितने भी यूनिट्स ऐड कर सकते हो वो आपके ऊपर है बट यहाँ पर आपने एक न्यूरल नेटवर्क लगा दिया और फिर आपने क्या किया आपने ये जो एस वन था इसको एज इनपुट दे दिया और ये जो एच वन है इसको भी एज इनपुट दे दिया ठीक है और इसका जो आउटपुट है उससे आपको मिला एल्फा टू वन

ये भी आकर के फिट हो जाएगा तो जब ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ट्रेन होगा तो अलोंग द वे सिंस ये भी ट्रेनेबल है ये खुद भी ट्रेन हो जाएगा तो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस आर्किटेक्चर कि बैक प्रपगेशन थ्रू टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके नॉट ओनली मैं अपने एनकोडर डिकोडर के एलेस्टियम्स के वेट्स एंड बाइसेस को एडजस्ट कर रहा हूँ बट साथ ही साथ मैं इस छोटे से ए को भी एडजस्ट कर रहा हूँ इसके भी वेट्स एंड बाइसेज कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड सिंस ये पूरा ट्रेनिंग एक गो में हो रहा है तो ये वेट्स का भी हमें सही वैल्यू मिल जा रहा है सो जस्ट टू समराइज मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर एक साथ बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम लोग ये लाइट प्रिंट कर चुके हैं मतलब हमारा डी का फर्स्ट टाइम स्टेप कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इस टाइम स्टेप पे हैं सेकेंड टाइम स्टेप पे हैं अब सेकेंड टाइम स्टेप में हमें इस बंद को प्रिंट करने के लिए ये पता करना है कि टर्न का कितना रोल होगा ऑफ का कितना रोल होगा द का कितना रोल होगा लाइट्स का कितना रोल होगा तो ये चार चीजें हमें तब पता चलेंगी जब हमारे पास अल्फा टू वन होगा अल्फा टू टू होगा अल्फा टू थ्री होगा अल्फा टू फोर होगा तो हम क्या कर रहे हैं हम एक न्यूरल नेटवर्क ले रहे हैं एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और इसमें हम दो चीज़ें डाल रहे हैं एल्फा टू वन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एस वन डाल रहे हैं जो कि प्रीवियस टाइम स्टेप से हमें मिल रहा है और एच वन डाल रहे हैं जो हमारा एनकोडर का टाइम स्टेप वन है और उससे हमें एल्फा टू वन मिल रहा है फिर सेकेंड टाइम स्टेप पे हम एस वन डाल रहे हैं एच टू डाल रहे हैं जिससे हमें एल्फा टू टू मिल रहा है फिर थर्ड टाइम स्टेप पे हम एच थ्री डाल रहे हैं और एस वन डाल रहे हैं जिससे हमें एल्फा टू थ्री मिल रहा है एंड सिमिलरली हमें एल्फा टू फोर मिल रहा है फिर यहां पर हम वेटेड सम परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे सी टू निकल के आ रहा है एल्फा टू वन टाइम्स एच वन प्लस एल्फा टू टू टाइम्स एच टू प्लस एल्फा टू थ्री टाइम्स एच थ्री प्लस एल्फा टू फोर टाइम्स एच फोर और फिर ये सी टू को यूज करके यहाँ पे हम सी टू प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पे हम एस वन प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पे हम वाई वाई वन प्रोवाइड कर रहे हैं और इन तीनों की हेल्प से वी आर कैलकुलेटिंग दिस बंद और ये अगला स्टेट एंड देन यू कीप ऑन डूइंग दिस आगे तक सो दैट इज द मॉडल बिहाइंड अटेंशन मैकेनिज्म सो आर्किटेक्चर तो हमें समझ में आ गया अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अटेंशन मैकेनिज्म अप्लाई करने से क्या फायदा हुआ सो so, ये ग्राफ है जो मैंने आ, जो अटेंशन मैकेनिज्म का ओरिजिनल पेपर है वहां से निकाला सो so, इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करो कि एक्स एक्सिस पे सेंटेंस का लेंथ है और वाई एक्सिस पे ब्लू स्कोर है ब्लू स्कोर अगर आपको याद होगा मैंने बताया था इज अ मेट्रिक जिससे आप ट्रांसलेशन का क्वालिटी मेजर करते हो तो यू कैन सी यहाँ पे तीन चार मॉडल्स को कंपेयर किया गया है तो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स में आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे जैसे सेंटेंस का लेंथ थर्टी वर्ड्स से ज्यादा होता है सबका ब्लू स्कोर तेजी से गिरने लगता है मतलब ट्रांसलेशन क्वालिटी खराब हो जाता है वंस द सेंटेंस लेंथ क्रॉसेज थर्टी वर्ड्स बट ये जो मेन मॉडल है जो अटेंशन बेस्ड मैकेनिज्म पे बेस्ड है इस मॉडल में आप नोटिस करोगे कि थर्टी वर्ड्स के बाद भी जो ब्लू स्कोर था वो सही चल रहा था बढ़ा नहीं बट एटलीस्ट स्टेबल था तो दिस ग्राफ एंपेरिकली प्रूफ्स की अटेंशन मैकेनिज्म को लगाने से फायदा होता है रिसर्चस ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज अपने पेपर में पब्लिश की और वो था कि आप सिंस आपके पास अटेंशन वेट्स होते हैं एल्फाज होते हैं तो आप एक्चुअली एल्फाज को प्लॉट कर सकते हो समझना इस बात को जैसे यहाँ पर हमारे पास इनपुट में चार वर्ड्स हैं और आउटपुट में भी चार वर्ड्स हैं। तो ब, मतलब यह हुआ कि हमारे पास टोटल कितने द का वेटेज भी निकालना है लाइट्स का, का वेटेज भी निकालना है बंद यहां पे प्रिंट होगा इसके लिए हमें टर्न का वेटेज भी निकालना है ऑफ का वेटेज भी निकालना है द का वेटेज भी निकालना है लाइट्स का भी वेटेज निकालना है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं एक्चुअली लाइट बंद करो और एंड को ऐसे लिख सकता हूं और टर्न ऑफ द लाइट्स को ऐसे लिख सकता हूं तो ये जो नंबर होगा ये होगा अल्फा वन वन ये जो नंबर होगा ये होगा अल्फा वन टू अल्फा वन थ्री अल्फा वन फोर अल्फा टू वन अल्फा टू टू एंड सो ऑन तो सिंस मेरे पास अल्फास की वैल्यूज हैं मैं उसको प्लॉट कर सकता हूं तो जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर था वहां पे लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया था वो ट्रांसलेशन परफॉर्म किया था इंग्लिश टू फ्रेंच तो दैट इज वाई आपको वाई एक्सिस पे दिखाई एक्स एक्सिस पे दिखाई देगा इंग्लिश और वाई एक्स पे दिखाई देगा फ्रेंच तो यहां पर यू कैन सी कि अटेंशन मैकेनिज्म एक्चुअली काम करता है जैसे यूरोपियन का जो ट्रांसलेशन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है सबसे ज्यादा वो डिपेंड कर रहा है यूरोपियन जो भी फ्रेंच में वर्ड होता है सिमिलरली अग्रीमेंट जो वर्ड है, है वो सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है ऑन अकॉर्ड एरिया जो वर्ड है वो सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है ऑन जोन थोड़ा सा ला पे भी डिपेंड कर रहा है तो ये जो ग्रिड है ये ग्रिड एक्चुअली शो करता है कि अटेंशन लगाने से फायदा हुआ, राइट right? तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी प्रूव करके मतलब प्लॉट करके देख सकते हो एंड दिस इज लाइक अ गुड फीलिंग कि आपने जो इतना हेवी एक थ्योरी क्रिएट किया उसके अराउंड एक जो इतना डिफिकल्ट आर्किटेक्चर प्लान किया इट इज एक्चुअली वर्किंग ठीक है वन लास्ट थिंग अह सिंस हम पेपर की बात कर रहे हैं आप uh, पेपर आपको पढ़ना चाहिए पेपर का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं पेपर uh, का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा बट एक लास्ट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल पेपर है उसमें एनकोडर में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बाय डायरेक्शनल एलएसटीएमस यूज किए थे बाय डायरेक्शनल एलएसटीएम मैंने आपको पढ़ा रखा है पास्ट में तो बाई डायरेक्शनल एल का यही फायदा होता है कि एट एनी मोमेंट आपके पास सिर्फ पीछे का ही कॉन्टेक्स्ट नहीं होता आगे का भी कॉन्टेक्स्ट होता है तो उससे ट्रांसलेशन का क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है तो जो रिसर्चर्स थे उन लोगों ने एनकोडर में डी में नहीं सिर्फ एनकोडर में बाई डायरेक्शनल एल यूज किए थे तो जब आप ये पेपर पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी बट गेस वॉट बाकी का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है तो ये जो आपका पूरा का पूरा अलाइनमेंट मॉडल है जिसको जिसके थ्रू आप अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिल्कुल सेम रहेगा सो आई होप आपको अटेंशन मैकेनिज्म का एक इंट्रोडक्शन समझ में आया मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय